जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग। इस वीडियो में आप सभी जानेंगे बिहार एक परिचय पुस्तक के पेज नंबर 5 के बारे में। आइए अब शुरुआत करते हैं। श्रीलंका में प्राचीन प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, जबकि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान से 9 प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन प्रस्तर युग में पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता था। यह बड़े और खुरदरे पत्थर के बने होते थे और इनका उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए होता था। उस समय का आदि मानव का भोजन कंदमूल और पशुओं का मांस था, अतः उसे जंगलों और पहाड़ों के दामन तलहटी में रहने की मजबूरी थी। इस काल से जुड़े हथियारों में पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ियों के फाल और खुरपी आदि शामिल हैं। इनके अवशेष मुंगेर और नालंदा जिला में तथा अविभाजित बिहार वर्तमान झारखंड के अनेक स्थानों से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रस्तर युग में हथियारों के साथ औजारों के नमूने भी मिलते हैं, क्योंकि उन समय तक आदि मानव ने पत्थरों के उपयोग में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। इस काल के हथियार और औजार छोटे पत्थरों के बने हैं, उनका आकार बेहतर है और इनमें घाट और नोक भी हैं। इनके नमूने भी प्रवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के नमूनों के साथ उपयुक्त स्थानों से मिले हैं, जिससे इन स्थानों पर मानव जीवन के विकास के निरंतर क्रम के प्रमाण मिलते हैं। 9 प्रस्तर युग के अवशेष मैदानी क्षेत्रों में स्थित जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें चिरांद, सारण, चेचर अथवा श्वेतपुर, वैशाली, सेनवा, रोहतास, मनेर, पटना प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ से न केवल पत्थर के बन अत्यंत माइक्रोलिथिक बल्कि हड्डी से बने औजार और हथियार भी प्राप्त हुए हैं। स्मरणीय है कि यह सभी स्थान नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त सामग्री आदि मानव के जीवन के संबंध में विस्तृत जानकारी तो प्रदान नहीं करती, मगर इतना संकेत अवश्य मिलता है कि जीवन शैली में अब कुछ निर्णायक परिवर्तन आए। जंगलों और पहाड़ियों के बीच में रहने के बजाय अब मैदानी क्षेत्रों में निवास का क्रम प्रारंभ हुआ। कृषि का आरंभिक विकास भी हुआ और भोजन संजीयक यानी फूड गैदर की जगह आदि मानव अब स्थिर जगह यानी सेटल लाइफ के चरण में आ गया। प्रस्तर युग की जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है गुफा चित्र। बिहार में कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत से प्राप्त गुफा चित्रों और इनमें काफी समानता है। इन चित्रों में प्राकृतिक वस्तुओं के साथ मानव गतिविधियों जैसे शिकार, नृत्य आदि के भी दृश्य देखने को मिलते हैं। इनसे आदि मानव की जीवन शैली को समझा जा सकता है। 9 प्रस्तुत युग का अंत होते होते मनुष्यों ने तांबे का उपयोग आरंभ कर दिया था। इस काल को ताम्र प्रस्तर युग कहा जाता है और इसकी अवधि 3000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। दोस्तों, ये पेज नंबर 5 था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि किसी तरह की कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं।